हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में, यानी कि RBNL और IRFC। आज इन दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक में बेहतरीन और गजब की तेजी देखने को मिली है, जबकि मार्केट आज एट पार का सिनेरियो दिखाते हुए नज़र आया है। मैंने ऑलरेडी जो है यस बैंक में आज बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, तो उस पर वीडियो डाली हुई, आप जाकर जरूर देखना इस वीडियो के बाद। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों ही स्टॉक में इतनी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, सो डेट आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले IRFC का सिनेरियो देखेंगे। 187.90 पर आज के दिन की क्लोजिंग है, और लगभग 6% की जो तेजी है वो आज आपको यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि गजब की तेजी जो है वो IRFC में आज आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। लगभग 10 रुपये का मूवमेंट आपको इस स्टॉक में आज देखने को मिला है, और इवन 191 का यहाँ पर आपको हाई भी देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल जो माहौल बना IRFC का वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिला है। बात करें वॉल्यूम के बारे में तो आज 22 से 25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि लगभग 4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अमूमन उनमें वॉल्यूम आ नहीं पा रहा था, लेकिन आज के दिन देखने को मिला है, जैसे कि IRFC है, एयरकॉन है, RBNL है और यस बैंक है। इनमें आज गजब का वॉल्यूम देखने को मिला, और इसी वजह से भी अगर आप देखते हो तो ये शेयर्स आज काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है वो दिखाते हुए नज़र आए हैं। सबसे पहले IRFC से रिलेटेड न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखो, 2500 जनरल रेल कोचेस जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, और 10,000 और बनाए जाएंगे, उसके लिए भी जो है वो परमिशन मिल गई है। यानी कि 2500 जनरल रेलवे कोचेस जो हैं वो बन जाएंगे बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और यहाँ से 10,000 और बनने वाले हैं, ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है। इन्होंने अगर आप देखते हो तो बताया है कि स्पेशल ड्राइव जो है जिसमें 2500 नए जनरल पैसेंजर ट्रेन कोचेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे, और 10,000 के लिए अप्रूवल मिला है, और ये जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, सो डैट ओवरऑल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बड़ा फोकस जो है वो किया जा सके। इन सारी चीज़ों के बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो 50 नई अमृत भारत ट्रेन जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट ईयर में ऐसी 2 ट्रेन जो हैं वो चलाई गई थी, मालदा और दरभंगा से, जो कि इनॉग्रेट करी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, ठीक है। तो ये 2 ट्रेन ऑलरेडी बन चुकी हैं, 50 नई बनने वाली हैं, और यहाँ से 150 यानी कि 150 ऐसी ही अमृत भारत ट्रेन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। अमृत भारत ट्रेन्स क्या है, ये एक LHB यानी कि लिंक्ड हॉफमैन बोश पुश पुल ट्रेन है, जो कि लोकोमोटिव होती है जिनमें दोनों साइड में, सो डैट एक्सीलरेशन जो है वो बेटर हो सके। अब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो कि स्टार्ट किया है, और जैसे जैसे बजट जो है वो पास में आता जा रहा है, मैंने आपको बोला था कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी गजब की तेज़ी दिखाएंगे, जिनमें आपको इंफ्रा देखने को मिलेगा, डिफेंस देखने को मिलेगा, रेलवे देखने को मिलेगा, ग्रीन एनर्जी देखने को मिलेगा। तो ये फोकस में रहने वाले हैं, और इन्हीं में आपको गजब की तेज़ी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे, और किस अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर इन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट कर रही हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। बात करते हैं अब RBNL के बारे में। तो 17.5% का मूवमेंट, टारगेट मैंने कितना बताया था 500 रुपये का। फॉलो करते होगे चैनल को तो आपको पता ही होगा कि ये होने वाला है, 500 रुपये का टारगेट बताया था। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट है, 75 रुपये के आसपास का मूवमेंट है एक दिन में। मैंने आपको ये ज़रूर बोला था कि जब भी RBNL में तेज़ी आती है तो 2-3% की नहीं आती, फिर वो 10-12% की आती है, लेकिन यहाँ तो 17-18% की तेज़ी है, 498 यानी कि लगभग जो मैंने आपको टारगेट बताया था वो अचीव हो चुका है, 492 पर आज के दिन की क्लोजिंग है। न्यूज़ पर लेकर आ गया हूँ, 19% टू रिकॉर्ड हाई, हियर इज़ व्हाट द एनालिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर आज 19% तक की तेज़ी देखने को मिली थी, और अब जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो उस पर अगर आप देखते हो तो इन्होंने
बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी जून में साइन करे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए भी है। लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो ऑर्डर इन्होंने साइन करा है, और ये जो ऑर्डर है वो किसके साथ साइन किया है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो के साथ। अभी तक आप देख पा रहे हो तमिलनाडु मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ऐसे बहुत सारी मेट्रोज के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब दिल्ली मेट्रो के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली मेट्रो के साथ MOU साइन कर लिया है फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड एज द प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर द मेट्रो, रेलवे, हाई स्पीड ट्रेन्स, हाईवे, मेगा ब्रिजेस, टनल्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप, डिपोर्ट्स, SNT वर्क्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए RBNL ने MOU साइन कर लिया है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा था, जिन लोगों को मानना नहीं होता वो तो नहीं मानेंगे, आप चाहे उनको कुछ भी बोल दो, लेकिन उनके सामने जब रिजल्ट आ जाता है वो तब भी आपका तो नहीं बोलेंगे कि आपने ऐसा बताया था, लेकिन आप फिर वो कुछ बोलने लायक नहीं रहते। मैं हमेशा से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, RBNL एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क थोड़ी सी है, लेकिन इतने ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे ना कि आप कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रही है, और बिजनेस ऐसा है जो कि कभी बंद नहीं हो सकता। तो दो तीन चीज़ें अगर आपने सेट कर ली माइंड में तो आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी यहाँ से जो सेटअप बन रहा है, सपोर्ट है 470 का, अब जो टारगेट आ रहा है 520, तो लगभग देखो 500 तो ऑलरेडी टच हो ही गया आज 498 पर, अब जो है 520, एक दो ट्रेडिंग सेशन ऐसे गए तो डेफिनेटली 550 यहाँ से जाएगा ही जाएगा। जिगर एस पटेल की बात करें तो इन्होंने 515 के टारगेट दे दिए हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब हर कोई 500 से ऊपर के टारगेट तो देते हुए ही नज़र आ रहा है। इवन अगर आप देखते हो तो 3 महीने में कितने रिटर्न्स हैं, 70, लेकिन अगर इसको और बाइफरगेट करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आएगी। इन्होंने नोटिस के जरिए बताया कि इन्होंने जो है DMRC के थ्रू ऑर्डर जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई, एक है IRFC, एक है RBNL। IRFC उन लोगों के लिए जिनको रिटर्न्स तो चाहिए लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम चाहिए, तो रिटर्न्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है। RBNL के लिए ठीक है, रिटर्न चाहिए बम्पर, रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनके रिजल्ट्स भी आएंगे, अगस्त में आएंगे मेरे ख्याल से, तब तक चीज़ें आपके सामने बजट की भी पता चल जाएंगी और बाकी कंपनीज के रिजल्ट भी पता चल जाएंगे। अब डिविडेंड वगैरह मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।